वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं आपके साथ इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन में हम मल्टीपल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सब और इफ नस्को वन, और हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं। तो जैसे मैंने कल लूप लगाया था, उसे लूप को यूज करता हूँ कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू वन एट टू से टू टू सेवन, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर इसमें 85 टू 95 के बीच में हुआ तो मुझे 800 का देना है, अदरवाइज 100 देना है रिजल्ट बी में। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ कि रेंज या इफ कंडीशन, हाँ इफ रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज लेस देन, नहीं लेस देन ग्रेटर, हाँ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 85, और यहां पे हम एंड कमांड देंगे कि रेंज ए एंड आई। तो ये जो लंबा है लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करेंगे। हम लिखेंगे कि डिम एन एज ए लॉन्ग, लॉन्ग नंबर्स, और यहाँ पे हम करेंगे एल इक्वल टू रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू, और यहाँ पे इफ करेंगे कि इफ एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी फाइव और एंड एल इज लेस देन इक्वल टू 95 देन रेंज ए के साथ बी के साथ होगा, बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इक्वल टू 800 एल्स हमने इसको लिया और हमने लिखा एंड इफ और यहाँ पे 100 कर दिया। ये हमने कल की लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राइट। लेकिन इसमें हमने एंड का यूज किया हुआ, मैं यहाँ एंड का यूज नहीं करना चाहता, मुझे मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल रिजल्ट चाहिए, इसलिए एंड का इस्तेमाल हम नहीं कर चाहते। तो हम इसी एग्जांपल को विदाउट एंड करेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे इफ अंडरस्कोर टू कर देता हूँ। यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ नेस्टेड इफ का, एंड यूज ना करेंगे, हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ कि इफ एल इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव देन। फिर यहाँ पे मैं एक और इफ यूज करूँगा कि इफ एल इज लेस देन इक्वल टू 95 देन। तो यहाँ पे हमारा रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया और डॉट वैल्यू इक्वल टू 800, उसके बाद हमने एल्स लगाया और एल्स में हमने यहाँ पे दिया 100 और यहाँ पे एंड इफ। लेकिन यहाँ पे हमने एक एंड इफ किया, दो इफ लगाया बट हमने एंड जो है एक ही किया, तो यहाँ पे दो एंड इफ करने पड़ेंगे। तो इसका फायदा ये है कि आप अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 85 की जगह पे आप यहाँ पे है कि भाई लेस देन 85 है तो मुझे 100 देने हैं और ग्रेटर देन 95 है तो मुझे 1000 देने हैं, तो यहाँ आप जो है 1000 का रख सकते हैं और यहाँ 100 कर सकते हैं। तो एंड का यूज कब होता है, जब हमारे कई सारे रिजल्ट को देखने के बाद हमें एक सिंगल कई सारे कंडीशन को देखने के बाद हमें एक सिंगल रिजल्ट देना होता है। और एंड का यूज कर, इसका नेस्टेड इफ का यूज कब होता है, कई सारे रिजल्ट को देखने के बाद हमें एक सिंगल मल्टीपल रिजल्ट देने होते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल समझ में आया भुवन जी, विघ्नेश्वर जी,
विदाउट सर, इसमें। ये एंड इफ टू टाइम, एक एक इफ के लिए एक एंड इफ, देन एल्स, वो जो 100 जितने इफ सेकंड टाइम का। होंगे उतने एंड होंगे। यहाँ देखिए, ये यहाँ सिंपल देखिए कि ए इफ हुआ, इस इफ के अंदर ए है और अगेन ए इफ है, अगर इफ हुआ तो इसका भी एल्स होगा और इसका भी एंड इफ होगा, और इसका इफ होगा इसका भी एल्स होगा, इसका भी एंड इफ होगा, समझे? लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन है। तो एक तो डिफॉल्ट हो गया ना एल्स, मतलब कि इसके अलावा 3 कंडीशन हो गया ना सर। एक होगा ग्रेटर देन 95, हो गया लेस देन 95, एक हो गया इसके अलावा, तो एल्स इसके अलावा हो गया ना आपका, समझे? अब चलिए इसको अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ द नेम है, मान लीजिए नेम है यहाँ, उनके सब्जेक्ट्स है, मतलब चार, मान लीजिए ना कि चार सब्जेक्ट का रिजल्ट आया हुआ है और एंड बिटवीन का फॉर्मूला हमने लगाया और हमने यहाँ पे रिजल्ट ले लिया, ठीक है? और यहाँ पे हमारा आता है रिजल्ट, तो मुझे यहाँ पास और फेल करने हैं। अब कंडीशन ये है कि चारों सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास करना है, अदरवाइज फेल करना। तो पहले इसको हम एंड से करते हैं, फिर हम इसको विदाउट एंड नेक्स्ट इफ से करेंगे। तो सब्जेक्ट देते हैं इफ एग्जांपल 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां हम देते हैं 4 i = चले 1 2, कितना है 10, और यहां पे हम नेक्स्ट आई कर देते हैं। अब यहां पे हम इफ करते हैं कि इफ रेंज, अच्छा 1 से नहीं यार, 2 से चलना चाहिए ना, रेंज b2.value इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, एंड अब इसी में क्या है हमारा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, बी टू के जगह पे हो जाएगा हमारा सी टू, फिर अगेन पेस्ट, सी टू के जगह पे हो जाएगा हमारा डी टू, अगेन पेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा ई टू। दैन यहाँ पे एंड नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं दैन, यहाँ पे रेंज एफ के साथ हमने आई लिया और डॉट वैल्यू इक्वल टू पास, एल्स और यहां पे आपको एंड, ठीक है? अब इसको बड़ा करके एक बार दिखा देते हैं कि क्या है, छुप गया ना, राइट सर? आप इसको रन करके एक बार रिजल्ट भी देख लीजिए, फेल फेल फेल, सब फेल ही आया नहीं, ये पास होना चाहिए। बी टू इज ग्रेटर देन 33 एंड सी टू एज ग्रेटर देन 33, डी टू एज ग्रेटर देन 33 एंड ई टू इज ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन पास, दोनों फेल। बी सी डी ई बी, ओ सॉरी सॉरी,
हमने यहाँ पे बी टू ई टू लिख दिया हुआ है ना, तो बी टू का अगेंस्ट चल रहा है, हमें बी के साथ आई को कंबाइन करना होगा। तो फिक्स हो गया ना फिर। अब पास आ गया। अब इसी चीज को हम नेस्टेड इफ से करते हैं। यहां पे सब्जेक्ट इफ एग्जांपल फोर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हमने दिया कि यहाँ लूप लगाते हैं कि 4i इक्वल टू चले 2 to 7 में 10 और नेक्स्ट i, और यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ रेंज b के साथ हमने i को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैन, यानी फिर तीसरा इफ लगाएंगे, दूसरा इफ कि इफ रेन यहाँ पे सी के साथ भी हमने यहाँ पे 2 दिया डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैन, अगर तीसरा इफ रहेगा कि इफ रेंज डी के साथ हमने एन लगाया आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन, और यहाँ पे दिया इफ रेंज डी के बाद आता है ई के साथ एंड किया आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैन रेंज एफ के साथ हमने आई किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पास एल्स यहाँ पे कर दिया फेल। तो जितना इफ लगा है, क्योंकि ये जो इफ हुआ इसके अंदर में फिर इसका इफ एल्स भी तो देना पड़ेगा ना हमें, तो हमने इसका इफ दे दिया। यहाँ पे एल्स नहीं होगा, यहाँ पे एंड इफ होगा। इसका इफ हमें नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस तरह से मैं डिजाइन बना रहा हूँ ना, तो जोड़ी नहीं कि आप भी डिजाइन बनाओ, ठीक है ना। हम इसे रहेंगे ताकि आप समझ सके कि कौन सा एल्स और कौन सा एंड इफ किसका है। ठीक है, तो पहले देखिएगा यहां ऊपर में कि रेंज बी के साथ आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 33 देन, फिर वो चेक करेगा सी टू को, अगर सी टू की वैल्यू ग्रेटर देन 33, उसके बाद वो डी टू को चेक करेगा देन ई टू के चेक करेगा। तो मतलब कि ए अगर मान लीजिए पहले ही उसको अगर मिला कि भाई जैसे यहां ऊपर देखिए 16 मिल गया पहले सब्जेक्ट में, तो सीधे वो यहां पर आ जाएगा, यहां चेक करेगा, किसने पहले कंडीशन को चेक किया इसको 16 मिला तो सीधे ए क्या करेगा इसको शो कर देगा, अगर नहीं तो फिर इसको फॉरवर्ड करेगा, ए चेक करेगा डी टू अगर सही है तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे इस एल्स को शो करेगा, तीसरे को अगर फॉरवर्ड हुआ तो फिर वो चेक करेगा कंडीशन मैच किया तो चौथे को शो करेगा, नहीं तो ये तीसरा इफ का हो जाएगा, और चौथा चेक करेगा तो यहाँ पे आएगा तो पास देगा नहीं तो फेल देगा।
तो भुवन जी, कामरान जी, समझ में आया आपको ये? हेलो, जी सर। अच्छा, मैंने जो आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, उसको पढ़ा था आपने? सर मैंने लास्ट वीक से क्लास नहीं ली है, वो